नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदुल चंदेल। राज कुंद्रा के केस से जुड़ा एक बड़ा अपडेट सामने आया है। अश्लील फिल्मों के कथित निर्माण और उन्हें कुछ ऐप्स के जरिए प्रसारित करने से जुड़े मामले में राज कुंद्रा के ऑफिस पर मुंबई पुलिस ने फिर से छानबीन की थी। 24 जुलाई को ही इस छानबीन में एक छिपा हुआ लॉकर मिला है जिसमें कई सारे कागजात हैं। पुलिस ने इसको जब्त कर लिया है। बता दें कि मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुंद्रा की पुलिस हिरासत 27 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी थी। वहीं मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 24 जुलाई को अंधेरी वेस्ट के राज कुंद्रा के दफ्तर वियान कंपनी में फिर से तलाशी की थी। यहां पुलिस ने एक लॉकर को जब्त किया है। बताया गया है कि इस लॉकर को दफ्तर में छिपा कर रखा गया था। इसमें बिजनेस क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बहुत सारे कागजात बरामद हुए हैं। फिलहाल क्राइम ब्रांच इनकी जाँच कर रही है। आपको बता दें, राज कुंद्रा की पत्नी शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के दौरान क्राइम ब्रांच इस मामले में आर्थिक गड़बड़ी के एंगल की भी जांच कर रही है। क्राइम ब्रांच को ऐसी आशंका है कि राज कुंद्रा ने कथित पोर्न मूवीज बनाकर काफ़ी पैसा कमाया है जिसे उन्होंने क्रिकेट, बैटिंग और क्रिप्टो करेंसी में लगा दिया है। गौरतलब है कि अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को शहर की पुलिस की अपराध शाखा ने 19 जुलाई की रात को गिरफ्तार किया था। इससे पहले उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने कहा था कि 45 साल के कारोबारी अश्लील सामग्री के निर्माण और बिक्री के अवैध गतिविधि से आर्थिक लाभ कमाया है। पुलिस ने दावा किया कि उसने कुंद्रा का मोबाइल फ़ोन जब्त किया है और इसमें मौजूद सामग्री की जांच जरूरी है और साथ ही उनके कारोबारी सौदे और लेनदेन को भी देखना होगा। बता दें, कुंद्रा के अलावा पुलिस ने दूसरे आरोपी रियान थौरव को भी अदालत में पेश किया था। अदालत ने उसकी हिरासत की अवधि 27 जुलाई तक बढ़ा दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।